हैं, कम है क्या इस मार्ग में भी? अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग कहाँ नहीं हैं, गृहस्थों में भी देखो एक से एक अच्छे सज्जन हैं, भक्त हैं, शांत प्रकृति के लोग हैं, सेवा परायण हैं। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात आदमी की है। साधु भी आदमी है, गृहस्थ भी आदमी है, और सबके पास मन है, सबके पास मन है, और अपने मन का मालिक हर व्यक्ति है, और हर व्यक्ति अपने मन को समझ सकता है, दूसरे के मन को हम समझ नहीं सकते कि किसके मन में क्या विचार चल रहा है, और जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अपने मन को जान लो, दूसरे के मन का अंदाजा हो सकता है, जैसा बन है अपना वैसा बन है। और तो हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, और हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। कसौटी क्या है? बस यही कसौटी है कि हमें यह देखना है कि हमारे मन के जो विकार है मिट रहे हैं या नहीं मिट रहे हैं। पहले जैसे विकार मन में थे, जो इच्छा तृष्णा वासना लोभ मोह लालच पहले थे, अभी भी वैसे के वैसे हैं या घट रहे हैं या और बढ़ रहे हैं? यदि पहले जैसे थे वैसे लोभ मोह है, वैसे राग द्वेष है, वैसे ईर्ष्या घृणा है, वैसे मन कलुषित है, तो समझना अभी हमारी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो हम बैठे ही हैं जहां के तहां। और यदि बढ़ गए तो उल्टे रास्ते पर चले गए, और घट रहे हैं कुछ भी घटा तो समझना यात्रा शुरू हो गई है, अब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और सावधानी पूर्वक साहस और श्रद्धा के साथ चलने की आवश्यकता है। और जो ऐसा कर लिया पूरा मिटा दिया, वो कबीर साहब और दुनिया के सभी महापुरुषों का अनुगामी बन गया। तो कहीं कबीर सोई जन मेरा घर की रानी निवेरे साहब कहते हैं, वह मेरा अनुगामी है, वह मेरा भक्त है, जो अपने अंतकरण रूपी घर का झगड़ा है, विकारों का द्वंद्व, इसको मिटा दिया। और जिन्होंने मिटा दिया उसकी सारी साधनाएं पूरी हो गई, साधना क्या उसका पूरा जीवन ही सफल हो गया, वो जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकता है। यही काम हम लोगों को करना है, ये ध्यान शिविर ये उसी रास्ते में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए है। सद्गुरु कबीर का एक छोटा सा पद मैंने कहा, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, कोई काहू कहटा न माने आप हैं आप मुरादी, दुर्मति के दोहागिन मेटे ढोट ही चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम। बस हो गया।